ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 14 अक्टूबर की शिवदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा बात करते हैं एकाग्रता की, और साथ ही साथ अभ्यास करें कि हमारा मन स्टेबल रहे। एकाग्रता तब हो जाती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन पावर करते हैं। कंसंट्रेट करना किसके ऊपर है, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम छोटे ही समय में आज के वरदान को एक्सपीरियंस करेंगे और इससे और गहराई में समझें कंसंट्रेशन होती क्या है। परमात्मा कहते हैं एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्र करना किसको है, होना किसको एकाग्र है। ये नाकों को नहीं होना, नाक को, मुख को, हाथ को नहीं होना, मेरे मन को होना। लेकिन मन किधर है, ब्रेन के अंदर नहीं है। मन फिजिकल नहीं है, मन हो गया आत्मा के अंदर। तो मुझ आत्मा को, मुझ एनर्जी को, मुझ इन्फिनिट एनर्जी को, इन्फिनिट क्वांटम फील्ड को, सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम इन्फिनिट क्वांटम फील्ड, सुप्रीम मेटाफिजिकल एनर्जी, सुप्रीम गॉड फादर बोलो या सुप्रीम पावर बोलो, उनके साथ में कंसंट्रेट करना, उनके ऊपर सारी एनर्जी डाल देनी है। तो प्रभु कहते हैं एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न बाबा, जो हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, विघ्न आते हैं, उनको अगर पार करना है तो हमें कंसंट्रेशन पावर और स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ें चाहिए। तो एकाग्रता ये भी चाहिए और फिर हमें अनुभवों को भी याद करना है ताकि हम फोकस कर पाएं, कंसंट्रेट कर पाएं कि इस सिचुएशन में हमें करना क्या है। परमात्मा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। चारों तरफ से हलचल हो रही है लेकिन आपने एकाग्र कर दिया, बिल्कुल सारी आवाज़ को अलग कर दी। यस, ये पॉसिबल है। आप भीड़ भाड़ में बैठे हो, सब लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप इतने कंसंट्रेटेड थे, फोकस्ड हो कि आपको चिल्लाना भी सुनाई नहीं दे रहा। अगर सुन रहा भी है लेकिन आपको असर नहीं हो रहा उसका, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे आप, कि आपके फाइव एलिमेंट्स उसको कैच भी नहीं कर रहे हैं, आपकी कान भी उसको कैच नहीं कर रहे हैं, आपकी आंखें भी व्यर्थ देख नहीं रही हैं, इतनी हाई पावर, सेल्फ के ऊपर कंट्रोल। इसके लिए मन और बुद्धि, मन करती है संकल्प, बुद्धि करती है निर्णय, को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। ये अनुभव कौन से हो रहे हैं, परमात्मा की याद का अनुभव, या प्रेम का अनुभव, या विद्या का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, शक्ति का अनुभव, आनंद का अनुभव, कोई भी अनुभव उसके ऊपर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभूति कराती है कि हाँ मुझे आप किसी और की जरूरत नहीं, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी वस्तु की जरूरत है, ना किसी पे डिपेंडेंट हूँ मैं। अभी जो मेरे को निर्णय लेना है वो बस एकाग्रता, बिल्कुल नोबडी एल्स, ये अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एकर स्थिति बन जाती है। लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं और उन थॉट्स को हमें स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू क्लीन करते जाना, साफ करते जाना है, ज्ञान के सागर के द्वारा, ज्ञान के जल के द्वारा धोना है अपने मन के अंदर के सारे इम्प्योर थॉट्स को। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रहती है। अगर घृणा रहेगी तो आप फोकस नहीं पाओगे, कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको वो व्यक्ति याद आएगा, वो वस्तु याद आएगी और हमेशा मन भटकता रहेगा। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, संस्कार मतलब हैबिट्स, कोई आत्मा व प्रकृति, ये शरीर भी प्रकृति है, कोई भी व्यक्ति, आत्मा मतलब कोई भी व्यक्ति व प्रकृति, कोई वस्तु, आपका शरीर, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जब आप इस कंसंट्रेशन पे सेट हो गए तो आपको कोई भी प्रकार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा आपको अपसेट कर नहीं सकती। ये चीज़ ज़रूरी है, ये फोकस और कंसंट्रेशन से आती है। और एक बल, एक भरोसा, किसी और पर अगर आप डिपेंडेंट रहे, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो आप एक बल, एक भरोसा नहीं रहेगा। वो फ्लक्चुएट करेंगे, आप भी फ्लक्चुएट करोगे, वो चीज़ फ्लक्चुएट करेगी, आप भी फ्लक्चुएट करोगे। तो ये प्रैक्टिस हम ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं, आप भी इसको हर दिन सीखें और बढ़ाएं इसको। लेकिन उसके पहले 7 डिस्कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ओम शांति।